इंटरनल हाइपरनल। This means internal hyperlink students, offline students, look here. There are three different type of hyperlinks that we need discussion with you. We have the external hyperlink, that is with any external file. File may be any type. It may be Word file, Excel file, or any type of assess file. किसी भी फाइल के साथ हाइपरलिंक दे सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि यू कैन हाइड हाइपरलिंक विद दैट पेज, एंड द वे टू गिव द हाइपरलिंक इज यूज द एंकर टैग, देन HREF इक्वल टू गिव द नेम ऑफ द फाइल विद द लोकेशन। ठीक है, अब आप इसके बाद इसको क्लोज कर देते हो। इनसाइड दैट देयर इज एनी टेक्स्ट और एनी टाइप ऑफ इमेज और एनी टेबल जो भी आप इंसर्ट करोगे उसके ऊपर हाइपरलिंक आ जाएगा। बट दिस टाइप ऑफ लिंक इज एप्लीकेबल, इट इज इट विल प्रोवाइड हाइपरलिंक विद अदर वेब पेज और अदर फाइल। ठीक है, पर इन केस यू वांट टू प्रोवाइड द हाइपरलिंक within the same page, that is called internal link. Internal, for internal link, the two things are compulsory. ये देखिए बेटा, first, एक तो name attribute use करना है for giving the particular block of your web page. आपने एक name attribute, this is the attribute of anchor tag. It is used to define name of a particular section of that page. Here, second one is you will provide link to that सेक्शन। उस सेक्शन को आपने लिंक प्रोवाइड करना है। कैसे करना है? आपने नेम कैसे करोगे? नेम के लिए यू विल हैव टू गिव ए एंकर टैग, देन नेम इक्वल टू गिव एनी नेम। ठीक है, सपोज हमने अपने इन माय वेब पेज आई हैव गिवन नेम एंड। ठीक है, ये नेम है। टॉप में, बॉटम में, मिडल में, यू कैन गिव एनी इन एनी प्लेस, यू कैन गिव जहां पे भी नेम दोगे इसका मतलब लिंक वहीं पे आएगा। इसका मैंने अपनी फाइल में नेम दिया है बिल्कुल एंड में, इट मींस जैसे मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करूंगा मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा एंड आई विल गो टू द एंड ऑफ द वेब पेज। तो आपने नेम ब्लॉक देना है, इट मींस मैंने इस एरिया को नेम दे दिया। ठीक है, अगर आप वेब पेज के मिडल में दोगे तो वहां पे स्क्रोल वहां पे आ जाएगा, लिंक कंट्रोल आ जाएगा, स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो जाएगा, और अगर आप उसको टॉप में दोगे तो टॉप में आ जाएगा। क्लियर, और उसके बाद आपने इसका लिंक कैसे प्रोवाइड करना है? यू विल हैव टू गिव एंड हियर टैग इज एन एम्प्टी टैग। आपकी बुक में इसको कंटेनर टैग भी किया हुआ है, उन्होंने क्या किया हुआ है इन योर बुक ऐसे किया हुआ क्लोज। सो हियर इफ यू आर गिविंग द नेम बी साइलेंट, इफ यू आर गोइंग टू गिव द नेम नो नीड टू मेक इट कंटेनर टैग, सिंपली आप एंकर टैग एज एन एम्प्टी। ठीक है, अब लिंक कैसे देना है? लिंक आपने देना है ए HREF। ओके स्टूडेंट्स, मेरा इंटरनल नेम का सेक्शन का नेम क्या है? यस, टेल मी नेम ऑफ माई सेक्शन एंड सो यू विल यूज हैश एंड and then click to go anywhere, जिसके बाद आपने hyperlink देना। तो आपने देखा कि मैंने अपने in my web page I have given defined the name at the end, और जो link दिया मैंने वो दिया है top में।
here a href end और वहां पे लिंक आ रहा है end of web page. It means whenever I will click on end of this web page, automatically scroll here and I will go to the end of the web page. So hyperlink, internal hyperlink is applicable if your web page has very large contents, big contents, and scrolling is there. Okay. Now I am showing you. I am opening this web page in browser. Here is end of page. I click here. देखो बेटा फाइल का एंड आ गया. ऑटोमेटिकली स्क्रोलिंग हो गई. अब हम क्या करेंगे, बॉटम में टॉप का लिंक दे देंगे. ठीक है, कैसे करेंगे डिफाइन. सो लुक हियर, आई एम गिविंग वन हाइपर लिंक. तो आपने पेज के ऊपर की तरफ टॉप में मैंने नेम दे दी, ए नेम इक्वल टॉप. तो मैंने सेक्शन का नेम दे दिया टॉप. ठीक है, मैंने नेम डिफाइन कर दिया. और बॉटम में मैंने यहां पे लिख दूंगा ए एच आर एफ equal to hash top and then go to top. So jaise main bottom mein gaya aur wahan pe there will be one link, go to bottom, go to top. Uske upar jaise main click karunga automatically scrolling ho jayegi main top mein. Theek hai, I'm saving this and in my web page. End of web page. Here is go to top. I click here. Top me up. This is your internal link. And remember one thing, internal link is applicable if the your contents are very large. If it is a very compact web page, no any scrolling is there, no need of giving you one simple example. Suppose in my web page, listen better, in my web page I have given the meaning of different input devices like mouse, keyboard, joystick is there, scanner is there. Theek hai, upar ki taraf maine ek is there. If I click on scanner, scanner wala option aa gaya. If I click on keyboard, keyboard wala block screen ke upar aa gaya. This is, here is the application of the internal. Okay, quickly apply this and after that we will discuss another type of hyperlink that is called mixed link. Most of the link mixed link. So two things are required in internal link. One is name, second one is link. Name is the name of the section. Here you can give name to anywhere in the web page. Yes, online students, if you have any doubt, raise your hands. Make your web page very big. Image insert कर दो, कुछ भी कर दो. Use a here after A then B R B R करके make it big. Otherwise A will be displayed in same line. Okay. Now mixed link करें, discuss. Okay. Tell me.
I have another web page second. बड़े आपने इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. आई हैव वन वेब पेज फर्स्ट लुक हियर. आई हैव वन वेब पेज सेकंड, फर्स्ट पेज एंड सेकंड पेज. इन सेकंड वेब पेज आई हैव गिवन द लिंक विद द फर्स्ट पेज. व्हेन आई विल क्लिक ऑन द लिंक तो फर्स्ट वेब पेज जो मैंने अभी दिखाया था उसका वो ओपन होगा. ठीक है, मैं खुद ओपन करके दिखाता हूँ आपको. ये देखो बेटा, इधर आई क्लिक ऑन गो टू सेकंड पेज. ये मेरा सेकंड पेज है. अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फर्स्ट पेज में जाने के लिए, तो फर्स्ट पेज ओपन हुआ. कहाँ से ओपन हुआ? टॉप से ना. ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि आई ओपन द सेकंड फर्स्ट पेज बट आई इमीडिएटली गो टू द एंड ऑफ द पेज. तो एंड में मैंने कौन सा नेम दिया था? एंड. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने सेकंड वेब पेज में इसके साथ हैश लगानी है. आफ्टर गिविंग द नेम ऑफ द वेब पेज यू विल यूज हैश एंड देन नेम ऑफ इंटरनल सेक्शन. ठीक है, दैट इज एंड. दिस इज मिक्स्ड लिंक. वेब पेज इज फर्स्ट डॉट एचटीएमएल बट वेयर यू वांट टू गो, गो टू द एंड ऑफ द वेब पेज. सो आई एम सेविंग दिस. ठीक है, मैं यहाँ पे सेकंड वेब पेज ओपन कर लिया मैंने इसको. नाउ इन सेकंड वेब पेज आई क्लिक हियर. देखो बेटा बॉटम में आ गया, टॉप में नहीं आया, स्क्रॉल करना पड़ रहा मुझे. देखो दिस इज योर मिक्स्ड लिंक. यू आर गोइंग टू बी अनदर वेब पेज बट टू ए पर्टिकुलर सेक्शन. दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड लिंक. हाउ यू कैन गिव द लिंक, ये देखिए बेटा, नेम ऑफ द वेब पेज hash name of the section where you want to go. This is important. Clear? Quickly do this. Little bit difficult one to understand, but very useful. You are going to the another web page, but to a particular location. Online student, clear beta? Yes, Bhumika. Sir, if we want to visit the middle part, then what we will code with? Yes, yes, Bhumika. Bhumika, in first web page, ध्यान से देखना यहाँ पे. Suppose ये मेरा web page है, ये इसका middle है, judgment, judgment criteria. ठीक है? So here I will give a name. A name equal to, give any name. ठीक है, suppose middle. ठीक है, इसको name दे दिया. भूमिका clear? ठीक है, now in second web page, जो second web page, simply here, I am giving another link. ठीक है, वही link भी रहने दे रहा हूँ, second link भी दे रहा हूँ. So here I will use your middle. So I am saving this. This is my second web page. I click on middle. ये इसका ये देखो बेटा middle में आ गया, not a bottom. ठीक है, Object means text or image.
if you want to give the some limit. So this is your internal as well as external, and we call it mixed weight. So here we'll discuss, first is external, then internal, then mixed. Okay, so it's a one question for you. If I want to provide a hyperlink with any website, how it is possible? So right, remember one thing, write the full URL. Okay, so www.yahoo.com आपने पूरा लिखना है, ये नहीं कि yahoo.com लिखते हो, ठीक है? पूरा अगर आपने इसका https भी लिखना है, you can do, ठीक है? So I am doing here, if you want to provide hyperlink with any website, ठीक है? Link here will be here, ahref equal to complete URL, you will have to give. Saving this. Yahoo. And if you have any doubt, discuss with me. Otherwise, we will discuss one last type of last hyperlink, not a type, that is hyperlink with email. Okay? In this case, maybe email will be entered as this. So, as long as you send it for click, you have to pay for it. Image pay, nahi hota. Better image to web HTML, nahi hota. That's it. That should be it on the web page. Yes. Complete. Should we proceed to next topic? Yes. Online students, any doubt? Start off, implement it.
offline student. Okay, so we will revise later on. Take one more period for hyperlink, just to practice. Offline students. Now, if I want to send, because listen, if I want to send any email, there are two methods, and one method you are using. That method is you log in Gmail or Yahoo, and then you compose one email. Okay, if you say email compose, but there is another method with there are third party softwares. It third party software means here if I want to send any email, I will not open a Gmail or Yahoo, but in place of that I will open third party software, a different software, let's say Outlook Express. क्या इसमें क्या है कि आप आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ओपन है उसकी लिंकिंग इज विद जीमेल और याहू द इमेज व्हिच यू आर रिसीविंग इज डिस्प्लेड इन इनबॉक्स जस्ट लाइक इनबॉक्स ईमेल आईडी जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही बना होगा ठीक है पर आपकी इसका फायदा क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ईमेल्स आई हुई है वो आपके पास ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाएंगे तो उसका एक ड्रॉबैक होगा All the files will be transferred from server to your computer. इनमें वो वहाँ से डिलीट हो जाएंगी आपके कंप्यूटर में आ जाएंगे और यहीं से आप कोई ईमेल कंपोज भी कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज कॉल्ड विथ ईमेल विथ थर्ड पार्टी अब नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर आई एम गोइंग टू गिव वन लिंक इन माय वेब पेज ऑन क्लिकिंग ऑन दैट लिंक इस सॉफ्टवेयर के लोग Outlook Express will open and here I can send the emails. But remember one thing, when I will click here, there will be some configuration will be there because I am not using Outlook Express for email. Okay? Usme hame email password provide karna hoga. So many formalities. Par link main provide karke dikhaunga. Iski practical implementation dekho beta kahan pe aa raha hai.
इसको मैं शो कर रहा हूँ कि कहाँ पे हमने ये वाला कंसेप्ट यूज किया हुआ। If you open, this feature is applicable in almost all the websites. Here in school website, if I click on contact us, so beta yahan pe your name, your email ID, your message, you fill the message, click on send button. So jaise main send, jaise hi aap send button ke upar click karoge, school ke email ID mein email aa jayegi. ठीक है, it is this concept is just like similar to that concept. ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं ये कंसेप्ट अपनी वेबसाइट में दे रहा हूँ तो मैंने ईमेल कहाँ पे रिसीव करूंगा, इन माय ईमेल आईडी और इन योर ईमेल आईडी। इफ आई एम गिविंग दिस फीचर इन माय वेबसाइट, टेल मी ईमेल्स आई विल रिसीव इन माय ईमेल आईडी और इन योर ईमेल आईडी, इन माय ईमेल आईडी। ठीक है, तो हमें कैसे देना, ईमेल आईडी कैसे प्रोवाइड करनी है। लुक एट हियर, लुक हियर स्टूडेंट्स, हियर ए anchor tag here, href is here is one keyword mail to, okay, and then you will use colon, then your email id, suppose it is abc@yahoo.com. okay, after that click to send email and after that enter tag close. Okay, so I'm copying this and applying in second web page. My second web page mein apply kar raha hu, I have given here. I'm saving this. Now I go to second web page. Ye dekho, click to send email. I'm clicking here. Now there will be some processing because I'm going to open Outlook Express first time. Theek hai, wo khul jayega. There is a configuration. The first time configuration page, you will have to provide everything. Kaun sa server hai, kaun sa. Theek hai. ये आउटलुक एक्सप्रेस है। इफ आई एम प्रोवाइडिंग ऑल द फीचर्स, ऑल द इनपुट लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड, एवरीथिंग आई विल प्रोवाइड, नेक्स्ट टाइम व्हेन आई विल ओपन द आउटलुक एक्सप्रेस, इट विल शो द इनबॉक्स, सेंड आइटम, ठीक है, एवरीथिंग विल बी सिमिलर टू योर ईमेल। रिपोर्टिंग इज A, then href equal to mail to without giving space, mailto colon your email ID, double quotes close. Okay, quickly implement this setup with any email ID because we are not restricted to any particular group. We are using window. Outlook is a software of Microsoft. So you can also download any third party email software. So अगर हम इसमें जैसे mail login tag में खोलके send करते हैं ना, वैसे करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? वो जो मैंने school की website दिखाई थी बस, बेटा the coding is simple. अगर हमने link पे click किया तो वो उसमें ना message खोल के. नहीं, ऐसा नहीं. There is no any. Clear okay? So implement this. Yes, Bhumika. We will use
any email ID, then also it will execute as the same. Please repeat your question. Sir, if we will use a different email ID, yes, then also. Yes, Peter. Here I am giving one example, abc@yahoo.com. You can use your email ID. Suppose I am using my email ID. So simply, I yahan pe type kar dunga apni email ID. ठीक है, वो किसी भी कंपनी की हो सकती है, किसी भी वेबसाइट की हो सकती है, सेम प्ले. Its benefit is that when Outlook Express will open, this will be automatically, जब एक टूल आता है ना, टेक्स्ट बॉक्स वहाँ पे ये आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली. You can change that, but automatically that will be easy. In next, there are, if you want to give the default subject here, you have it subjectly disappear. So in the next period, we will discuss that. Okay. There are so many features of, you can discuss, search in net with so many features of mail too. Okay, students, time is over. Now I am going to close the meeting. Take care. Bye, Peter.